हरियाणा के मेवात में मंदिरों पर जाते हुए श्रद्धालुओं पर जानलेवा हमला के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रांत सुरक्षा प्रमुख गोपाल निशांत एवं जिला विद्यार्थी प्रमुख देवीलाल गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शास्त्री चौराहे पर एकत्र हुए। कार्यकर्ताओं ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रदर्शन कर हिंदू धार्मिक यात्रा पर हुए जिहादी क्रूरता के विरोध में जिहाद का पुतला फूंका। इस दौरान बड़ी संख्या में एकत्र कार्यकर्ताओं ने कहा कि आतंकी हमले के कारण बजरंग दल के दो कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई है और समाज के दो अन्य व्यक्ति भी बलिदान हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि उन सबके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए। जो घायल हुए हैं उनको 20 लाख रुपये तथा जिनकी गाड़ियां और बसें नष्ट हो गई हैं उनको पूरी तरह क्षतिपूर्ति की जाए। प्रदर्शन करने वालों में प्रमुख रूप से जिला कार्याध्यक्ष सूर्यनाथ सिंह, प्रांत दुर्गा वाहिनी संयोजिका रानी निषाद, प्रांत प्रचार प्रमुख मनोज गोड़, जिला मंत्री अनूप, जिला प्रचार प्रमुख राहुल गुप्ता सहित बजरंग दल की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। दंगा करने वालों को अरे दंगा करने वालों को गोली मारो, न्याय दो इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रांत प्रचार प्रसार प्रमुख विश्व हिंदू परिषद दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, हरियाणा के मेवात में नूह नामक स्थान पर एक प्रसिद्ध शिव मंदिर में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के द्वारा प्रतिवर्ष ब्रिज मंडल जलाभिषेक यात्रा के नाम पर एक यात्रा निकाली जाती है, जिसका उद्देश्य वहां के मंदिरों की सुरक्षा और उनको जीर्णोद्धार करके उनको पुनः स्थापित करने का उद्देश्य है। इस वर्ष भी वो यात्रा चल रही थी और यात्रा में सम्मिलित लोग विभिन्न स्थानों से होते हुए नूह में एक मंदिर है शिव जी का, उस पर जलाभिषेक करने जा रहे थे। उस यात्रा में भी हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री सुरेंद्र जैन जी भी शामिल थे। उस यात्रा जो यात्रा वो निकली मीडिया के माध्यम से आपको सबको ज्ञात होगा, उस यात्रा को लोग रास्ते भर नोटिस करते हुए व्हाट्सएप पर सूचना करते हुए जब वो यात्रा गांव के नजदीक पहुंची तो उस पर हमला किया गया, उस पर पत्थर फेंके गए, आगे चल करके उस पर फायरिंग हुई, उस फायरिंग में 5 लोग शहीद हो गए। यात्रा को संपूर्ण न हो इसके लिए उस मंदिर को घेर करके पूरे मंदिर के नीचे से पहाड़ी में मंदिर के नीचे से फायरिंग की गई और इसमें कई लोग घायल हुए, हमारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मांग करता है कि इस घटना में जो लोग सम्मिलित हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको सजा दी जाए, उनके घरों को यूपी मॉडल से बुलडोजर चला करके गिरा दिया जाए ताकि ऐसे लोग अपना फन न उठा सके। साथ में ये भी मांग करता है विश्व हिंदू परिषद कि जो लोग घटना में शहीद हुए हैं उनको 1 करोड़ रुपए, जो लोग घायल हैं उनको 20 लाख रुपए और जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं ऐसी गाड़ियों का मुआवजा वहां की सरकार दे।